लियो पारे प्रसाद शांत गेन प्रसाद की भूखे रहते ये लोग। पापा। हाँ बोलो पापा घोड़ा। नहीं हम बता लेते कि जिनके पहाल जैसे बाल है ना पहाल जैसे। हाँ तो इनका नाम है प्याले लाल और ये जिनके झाली जैसे बाल है ना गाछ पूछ जैसे इनका नाम है दुलाले लाल। और ये लोग तुम्हारे बहुत सगे मित्र है ये भी बता दो। और आप इधर देखिए इधर आपके यहाँ परसों कौन आया था? है परसों कहने लगा हमारा नाम बागर बिल्ला है पिता का नाम चाबी का छल्ला है बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है बच्चों का नाम। हेलो हेलो भैया कौन बोल रहा है बे? तुम कौन भैया? हम तुल्ली के बाप बोल रहे हैं। अच्छा भैया अबे तुम इधर सुनो पिए लियो कहाँ बे? फोन तक गो अंकल। अच्छा सुरपाल तुम फोन लगाए दिस। हाँ तुम क्या कर रहे थे बीसल साहब? पहले आप ये बताइए ऐसे गाने को रिंगटोन में लगाया जाता है आप बागल बिल्ला हैं? बताइए आप बागल बिल्ला हैं? और आप अपने बच्चों को कुतिया का पिल्ला समझते हैं? बताइए आपको शर्म नहीं आती? अरे आती है भाई आती है। हाँ याद आया परसों हमारे यहाँ हमारे चच्चा लोग आए थे पता है हमारे बड़े वाले चच्चा का नाम अज्ञान चच्चा है और छोटे वाले चच्चा का नाम पदमान चच्चा है। पीपीसल साहब उन लोग बहुत गुणकारी हैं। हाँ उन लोग सर्वगुण संपन्न हैं। अरे उन लोग परसों हमारे घर में इतना गंधवाइन कि क्या बताएं? जहाँ बैठे हुए हमारे दाएं जहाँ उठे हुए हमारे दाएं बस दना दन दाएं 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 करत रही गए। हमारी बड़ी वाली चच्चा सोनिया रखाए और छोटी वाली दंदनाए। Oh no! जैसे एक तो गाड़ी और दूसरा इंजन। अब खुशी की बात ये है पीपीसल साहब कि उनके दंदनावे से हमारे घर के सारे मच्छर भाग गए। अरे हम तो कहते हैं कि अगर भारत को मच्छर रहित बनाना है तो हमारे चच्चा को पदवाना है और साथ में आधा किलो सोनी हर रोज खिलाना है। वैसे अंकल जी ये दना दन गंधवाए के मतलब का है? अरे बेटा दना दन गंधवाए का मतलब कि पादना। बेटा परसों लोग बहुत पादिन बेटा बहुत पादिन आधा धुन पादिन सारे मच्छर भग गए। सही बताओ अंकल उनके पास किस मच्छर भग गए? हमारे पास ने तो हिलता तक नहीं। अरे बेटा काश की तुम्हारे पाद में दम नहीं है ना। आप अगर एक शब्द और भी बोला ना तो उठा कुर्सी से फेंक देंगे जाके मंगल ग्रह खेतान गिरोह में बताए दे रहे हैं। ऐसी बदतमीजी वाली बातें इन लोग क्लास में भी करते हैं। शर्म नहीं आती मूर्खों का मेला लगा है जैसे। ए इधर सुनो। हाँ बोलो। तुम्हारा हाथ साफ है? हाँ तो खुजली हो रही पेट पे खुजला तो लगता है सर्दी का पहलापन ठीक हो गया। ए क्या बोले? फिर बोलो जरा फिर से। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे आप अपना बताइए किस लिए बुलाए हैं? इसने क्लास में एक लड़की के साथ बदतमीजी किया है। क्या? हाँ उस लड़की का नाम है अंशिका। एक दिन ये अंशिका से कह रहा था कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल चांदनी की तरह, तुम्हारी नाक बिल्कुल चांदनी की तरह, तुम्हारे होंठ बिल्कुल चांदनी की तरह। जब अंशिका ने पूछा कि चांदनी कौन है तो कहता चांदनी हमारे भैंसिया के नाम।
अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आपके बारे में भी ऐसे ही बोलता है। अबे चुप रहो यार, मलवाओगे का? तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, बीच में बोलना नहीं बता दे रहे। क्या बोलता है बताओ जरा, बताओ। पता है सर जी, एक दिन ये कह रहे थे कि मोटा को मोटी चाहिए, तवे को रोटी चाहिए। वाह वाह वाह, मोटा को मोटी चाहिए, तवे को रोटी चाहिए। प्रिंसिपल सर के दुई बिटिया है, हमका छोटी चाहिए। ऐसा है, तुम चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, इनका तो हम बताते हैं अभी। गैन काम से भरे बाजार बेबी, भरे बाजार बेबी, कल लेना जाना नहीं थे तो बच जाएगा। भरे बाजार बेबी, कल लेना जाना नहीं थे तो बच जाएगा। हर कोई आशिक, हर कोई आशिक, हर कोई आशिक, तुझे तेरे घर तक छोड़।